पीडब्ल्यू ने क्लास 10 को लेकर नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक को रिलीज कर दिया है। आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इसको रिव्यू कीजिए, क्या ये हमारे 2025 के एग्जाम को लेकर यहाँ पे हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे स्टूडेंट्स आपको पूरा कंप्लीट डिटेल जो है रिव्यू आपको इस बुक्स को आपको पूरा कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो जल्दी से सबसे पहले बुक का इंटरफेस देखेंगे तो इस तरीके से बुक्स आपको मिलता है, काफी अच्छा इंटरफेस आपको बुक का मिलता है। और सबसे पहले मेन हाईलाइट देखेंगे पीडब्ल्यू का, ये जो नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है ये जो है आपको यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट नहीं, आपको साइंस मैथ एसएसटी तीनों आपको जो है एक ही यहाँ पे आपको बुक्स में मिल जाता है। बुक्स की आपको मोटाई दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, यानी क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिलने वाले हैं जो 2025 के एग्जाम को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले मेन हाईलाइट देखेंगे तो यहां से आपको जो है 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं, तो रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन 50% आने वाले हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग बार बार कमेंट्स भी कर रहे थे, तो जैसे ही हमें यहाँ पे बुक्स को फर्स्ट पेज को ओपन करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये पीडब्ल्यू का यहाँ पे सैंपल पेपर भी है, इसको लेकर आप लोग नीचे कमेंट्स करेंगे तो ये सैंपल पेपर के बुक्स को लेकर भी जो है पूरा डिटेल रिव्यू आपको कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट पेज को ओपन करें तो सबसे पहले ये बुक आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका चैप्टर वाइज वेटेज और यहाँ पे ट्रेन, यानी सीबीएसई ने कब कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कब कब पूछा है, तो ये सारा ट्रेंड आपको मिल जाएगा। 2025 में कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरा ट्रेंड आपको यहां पे जो है मिल जाता है। आपको साइंस में मिल जाता है, एसएसटी में मिल जाता है, मैथ में मिल जाता है, तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े इस बुक्स में आपको जो है क्वेश्चन पेपर डिजाइन मिलता है जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की इवन तैयारियों में। तो ये इस तरीके से चीजें मिलती है। डायरेक्ट हमें कंटेंट पे आते हैं तो कंटेंट में आप लोग देखेंगे साइंस का देखिए तो साइंस के ऑल चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं, मैथमेटिक्स के ऑल एक्सरसाइज आपको यहां पे इस बुक्स में इंक्लूड मिलता है। आप लोग के कमेंट्स बहुत ही सारे होते हैं एसएसटी को लेकर, एसएसटी में क्या चारों बुक हमें मिलती है, तो आप लोग देख सकते हैं इको देख लीजिए, यहां पे पॉलिटिकल देख लीजिए, जियो देख लीजिए और हिस्ट्री देख लीजिए, तो चारों आपके एसएसटी की बुक जो है यहां पे कंप्लीट आपको इस चैप्टर में मिलता है, इस पूरी कंप्लीट जो है कॉम्पिटेंसी लेवल वाली बुक में मिल जाती है। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां पे साइंस को ओपन करते हैं, उसके बाद में आपको बाकी के सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा। तो साइंस को जैसे ही ओपन करें तो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, स्टार्ट जो है आपको यहां पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको यहां पे कॉम्पिटेंसी लेवल वाले क्वेश्चन 2025 में पूछे जाने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहीं पे स्टार्ट से ही पहले पेज से ही आपको मिल जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं। और आगे यहां पे पेजेस में बढ़ें तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो नए नए टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ना सारी चीजें इस बुक में इंक्लूड मिल रही है। असेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। इवन जो है हम और आगे बढ़ेंगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ जो है यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं केस बेस के भी क्वेश्चन जो है यहां पे आपको पूरा कंप्लीट इस बुक में मिल जाता है। क्या केवल क्वेश्चन मिलता है, तो ऐसा नहीं है, हम और आगे बढ़ेंगे तो इस बुक्स में आप लोग देख सकते हैं हर एक चैप्टर के एंड के बाद जो है यहां पे हर एक क्वेश्चंस के बाद जो है डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलता है ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिए, यहां पे असेसमेंट रीजन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लीजिए, इसके अलावा जो है आप लोग यहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लीजिए और केस स्टडी के क्वेश्चंस का तो आप भूल ही गए तो ये भी देख लीजिए। तो यानी कि हर एक क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन मिलता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी जो है इसमें आपको इंक्लूड मिलते हैं। तो ये बुक जो है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर कॉम्पिटेंसी बेस की प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाती है। चैप्टर 1 मैंने आपको दिखाया, चैप्टर 2 में भी सेम सिमिलरली ऐसी चीजें मिल जाती है। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं मैथमेटिक्स को लेकर, तो यहां पे सिंपली जो है हम यहां पे मैथ पे आते हैं तो मैथ जो है आपका यहां से स्टार्ट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैथ यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैथ का हम यहां पे पहले एक्सरसाइज पे आते हैं रियल नंबर, रियल नंबर में सेम आपको इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपको असेसमेंट एरिया यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे मिल जाता है। तो आपको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं विद सॉल्यूशंस यहां पे सारी चीजें मिल रही है, सॉल्यूशंस भी आप लोग देखेंगे तो सारी क्वेश्चंस यहां पे स्टेप मार्किंग के तहत जो है यहां पे सॉल्यूशंस मिलता है। और ये स्टेप मार्किंग आपके लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर्स जो चेक होता है वो स्टेप मार्किंग को फॉलो करके चेक होता है। तो स्टेप मार्किंग आपको सारे आंसर्स भी मिल जाते हैं आपको सारे सब्जेक्ट में, तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए होने वाला है। तो इस तरीके से आपने चैप्टर 1 यहां पे एक्सरसाइज देख लिया, इसी तरीके से एक्सरसाइज 2 सारी चीजें सिमिलरली मिल जाती है। अब यहां पे एसएसटी पे मैं आपको आता हूं तो एसएसटी पे भी जो है आपको दिखा देता हूं। तो ये यहां से जो है यहां से एसएसटी स्टार्ट होता है, ये रहा एसएसटी। सोशल साइंस यहां से स्टार्ट होता है, सोशल साइंस का पहला यहां पे इकोनॉमिक्स का जो है पहला चैप्टर डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, असेसमेंट
रीजन वाले क्वेश्चन, तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है आपको सारी चीजें मिलती है। तो इस तरीके से जो है आप लोग देखेंगे, तो इस बुक का आपको फिर से दिखा देता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये देखिए इतने सारी, इतनी मोटी बुक है, बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस बुक्स में, तो ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में हम यहाँ पे प्राइजिंग को देखें, तो प्राइज यहाँ पे तीन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, तो क्या प्राइज इसका हाई है, तो यहाँ पे 549 इसका प्रिंट है इस बुक्स का। और अभी एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, तो अभी आप लोग देखेंगे तो PW की वेबसाइट पे इस पे बहुत ही सारा दोस्तों ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है, Amazon Flipkart पे अभी ऑफर्स चल रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफर, तो जिसके तहत जो है ये बुक आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है Amazon का, Flipkart का, और वेबसाइट पे भी जो है आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो PW का अगर आप वेबसाइट से जाकर परचेस करेंगे, तो वेबसाइट पे परचेस करेंगे तो आपको कोड दिख रहा है, ये कोड जो है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस कोड का यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है मैंने आपके लिए दिलवाया है। तो बहुत ही अच्छी मौका है, ये मौका आपके हाथ से ना जाने जाए, और ये मौका आपके हाथ से इसलिए ना जा पाए क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इवन पूछे जाने वाले हैं। तो सारे वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक्स में मिलता है, तो जाकर जरूर जो है इस बुक्स को देख सकते हैं। और मैं यहां पे फाइनल रिव्यू बताऊं ये बुक्स आपके लिए कैसा होने वाला है, तो मैं कहूंगा ये बुक आपके लिए नंबर वन होने वाला है, क्योंकि इस बुक्स में कोई चीजें मिसिंग नहीं लगी मुझे, सारी चीजें यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक्स में दी गई है। और लगे भी क्यों यहां पे, यानी कि इस बुक्स में मिसिंग हो भी क्यों, क्योंकि आप लोग ये ब्रांडिंग देख सकते हैं, फिजिक्स वाला आपके लिए कितना ज्यादा सोचते हैं, अलग सर आपके लिए कितना ज्यादा सोचते हैं, तो अलग सर यहां पे जो है, अलग सर ने बुक बनाया है, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होने ही वाला है। तो आप लोग जो है ब्लाइंडली जो है इस बुक्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इस बुक्स को परचेस कर सकते हैं, मैंने आपको इवन सारा चीज दिखा भी दिया, तो आप लोग जो है जाकर इसको परचेस करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जय हिंद।